तो देखो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल में देखो इसमें क्या है कि इक्वेशन एक यहाँ पे इक्वेशन दिया गया वेव का, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, बी लीनियर वेलोसिटी है, तो के का डायमेंशन निकालो। देखो अपना अपना सॉल्व करने का तरीका है, जो मेरा मतलब ये है कि ये पूरा एंगल डायमेंशन लेस है, ऐसे भी कर सकते हो, और एक्स और वी माइनस के का सब्स्ट्रैक्शन हुआ है, तो इसका क्या मतलब हुआ? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि ये जो है इसका डायमेंशनल फार्मूला और इसका डायमेंशनल फार्मूला यूनिट और नेचर दोनों का सेम होना चाहिए, तभी तो ये दोनों घटे हैं। तो एक्स अपॉन बी डायमेंशनली के इक्वल होगा, दोनों का डायमेंशन सेम होगा, दोनों का यूनिट सेम होगा, दोनों का नेचर सेम होगा। तो अब अगर मैं के का डायमेंशनल फार्मूला निकालूं तो एक्स क्या था भैया? एक्स लेंथ था, ठीक है, वेव का इक्वेशन है स्टैंडर्ड, और बी जो है वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी है एल टी माइनस वन, तो इसका मतलब ये हुआ कि डायमेंशनल फार्मूला जो के का होगा वो टी के बराबर होगा, दैट इज बी ऑप्शन सही है।